हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश विष्णु। अगर आपके पास भी नई गाड़ी है और उसकी बैटरी सेल्फ नहीं उठा रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से ये देख लो, अभी नई गाड़ी है, बिल्कुल चली हुई नहीं हुई, ये देखो ये सेल्फ नहीं उठा रही है। तो आपको सबसे पहले इस कवर को यहाँ एक पेजेस की मदद से इस नट को खोल लेना, उसको खोलने के बाद इसको यहाँ से लॉक आती है इसको निकाल देना और इस बैटरी को खोल लेना है। बैटरी को खोलने के बाद इसमें आपको सभी बता देता हूँ मैं, ये बैटरी के टर्मिनल को खोल लेना है। ये टर्मिनल खोलने के बाद इसको आप इस तरह से बाहर निकाल लेना है और सबसे पहले गाड़ी के अंदर आपको चेक करना है कॉइल करंट दे रही है नहीं दे रही। ये BS6 गाड़ी है तो दोस्तों करंट दे रही है या नहीं दे रही उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, आप सिंपल से गाड़ी को स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के बाद में आपको करंट चेक करना है गाड़ी में, गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं ये चेक करके डायरेक्टली आपको टिक लगाना है और गाड़ी स्टार्ट होगी। अब देखिए दोस्तों, ये देखो ये करंट दे रही है, यहाँ दिखाना भैया है, आपकी गाड़ी करंट दे रही नहीं दे रही वो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। जैसे आप इसको टच कराओगे गाड़ी आपकी बंद होने की स्थिति में आ जाएगी। ये देखो ये इस प्रकार से करंट दे रही है गाड़ी, ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे होंगे आपको, सही से नहीं दिख रहे होंगे लेकिन ये गाड़ी करंट दे रही है, तभी से करंट दे रही है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको एक 12 वोल्टेज का एलिमीटर लेना है, वो मैं आपको आगे प्रोसेसिंग में बताता हूँ। आपको 12 वोल्टेज का एलिमीटर लेना, जैसे पुराना कोई भी टेप रेडियो का ख़राब हो, आपके घर में होम थिएटर का खराब हो तो वो लेके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको वो एलिमीटर कैसे जोड़ना है। 12 वोल्टेज का जैसे होम थिएटर पुराना होता है घर पर कोई भी, उसका एलिमीटर है ये, उससे माइनस और प्लस लगा लेना है इसमें और गाड़ी को भी स्टार्ट कर देना है। और ये मेन लाइट है, मेन लाइट से कनेक्शन दे रखा मैंने, इस तरह से बैटरी आप चार्ज कर सकते हो 5 मिनट के अंदर। अब देखो इसका हॉर्न का साउंड सुना था, इतनी चार्ज होगी, देखो इस प्रकार आप चार्ज कर सकते हो घर पे। धन्यवाद दोस्तों।